मैं आज आपको एक वचन बताने वाला हूं, दो तीन वचन पढ़ाने वाला हूं। जानते क्यों? ये मैं इसलिए वचन देना चाहता हूं आपको, ताकि आपको समझ आए मसीह लोगों का जो जीवन है परमेश्वर के साथ वो कैसा होता है। ये जो दीपावली है इसके लिए मैं वचन देना चाहता हूं आज आपको। ये दीपावली का जो त्योहार है, जो लोग इस दुनिया के लोग इसे मनाते हैं आर्टिफिशियल लाइट जगाकर, देखना बहुत लाइट जगेगी ना, बहुत चीजें लोग करेंगे आर्टिफिशियल लाइट के द्वारा। लेकिन मैं फटाफट इसके लिए आपको कुछ वचन पढ़ाना चाहता हूं, उसके बाद इसका टॉपिक बताऊंगा। सबसे पहले हम जाएंगे यूहन्ना की बुक में, जो यूहन्ना की अंजील सुसमाचार की बुक है, इसमें 8:12 में यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमेन। यीशु है इस जगत की लाइट ज्योति, और जो यीशु के पीछे चलेगा कभी अंधकार में नहीं चलेगा, अंधेरे में नहीं चलेगा। ये झूठ, चोरी, बेईमानी, रिश्वत, जातिपात, लड़ाई, झगड़े, गंदे काम, व्यभिचार, मर्डर्स, झगड़े, नशे, बदमस्तियां, ये अंधकार का जीवन है। ये हर उस मनुष्य में जो यीशु में नहीं है। मुझे दिखाओ, इस दुनिया का एक बंदा लाके दिखा दो जो अंधकार में नहीं, जो कहे मैं ये ईश्वर से जुड़ा हूं, मेरे जीवन में कोई बुरी बात नहीं, मुझे लाओ, मैं उसके पांव में पड़ जाऊं। है ही नहीं इस दुनिया में कोई। आपने दूर से देखा लोगों को, दूर से किसी भी बड़े के बड़े ऐसे इंसान जो लोग मानते ये बड़ा इंसान, उसके पास 2 महीने रहकर देखो, आपको पता चलेगा इसमें कितनी अंधकार की बातें। बोलो, कितनी अंधकार की बातें। लेकिन जब आप यीशु के पीछे चलोगे तब आपको समझ आएगी कि वो लाइट क्या है, आपका जीवन बदलेगा। अगर यीशु में आकर नहीं बदला तो अभी भी अंधकार में हो आप, क्योंकि आपके पास आत्मा होने के बावजूद आपने आत्मा से काम नहीं लिया, या उसे आत्मा को अपने जीवन में काम नहीं करने दिया। अगर पवित्र आत्मा पाने के बाद भी हम झूठ बोल रहे, बुराई कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, तो आपने आत्मा को काम नहीं करने दिया। फिर लाइट का अनुभव, अंधकार से निकाले गए जीवन का असली वाला अनुभव आपके पास नहीं है। लेकिन ये करना पड़ेगा। एक वचन और पढ़ते हैं मत्ती से। कितने लोग जानते हैं मत्ती में यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। आमेन। आप लोग जगत की ज्योति हो। यीशु ने उदाहरण दिया, क्या कोई दीवट जगाकर कहां रखता है, पैमाने के ऊपर, क्या खाट के नीचे रखता है, क्या दीवट की जगह पर रखता है? यीशु ने कहा ताकि उससे घर में, रूम में उजाला आए। लेकिन लिखा, तुम्हारे जीवन से दुनिया को उजाला आएगा, हमारे जीवन से। तुम जगत की ज्योति हो, आर्टिफिशियल लाइट नहीं हो आप लोग। नीति वचन में 4:18 में लिखा, मैं पढ़ देता हूं ये वचन आपके लिए, अच्छा वचन है ये। 4:18 में क्या लिखा यहां पर, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। आमेन। धर्मी लोगों का जीवन चमकती हुई ज्योति के समान है। हम ऐसे हैं, आर्टिफिशियल लाइट वाला जीवन नहीं है हमारा, ये है हमारा जीवन। हम एक और वचन पढ़ देते हैं, ये सबसे पावरफुल वचन है जिसे कभी आपने छोड़ना नहीं। क्यों नहीं छोड़ना आज? क्योंकि इस वचन को अपनी जिंदगी में कभी इधर उधर मत करना, किसी भी वचन को नहीं करना चाहिए, लेकिन खास करके इस वचन को। 2:14 में लिखा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। आमेन। उत्सव क्या होता है? त्योहार, फेस्टिवल।
और परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें क्या करेगा, जय जय जीत के उत्सव में, फेस्टिवल में, त्योहार में हमेशा 24 घंटे रखेगा। इस दुनिया के लोग त्योहार साल में 6 महीने में एक बार बनाते हैं, एक दिन के लिए खुशी करते हैं, अगले दिन ठुस खत्म, खुशी पैसे खत्म। लेकिन जिस फेस्टिवल में, त्योहार में, उत्सव में हम में जीत के उत्सव में, वो रोज होगा, रोज। आमीन। ये जीत का उत्सव आपको हर दिन टेस्टिमनी देगा, आपके ये काम प्रकट हो गए, आपका ये प्रकट हो गया, ये जीत वो जीत, जीते जीते जीत है, हम जीते उत्सव में। लेकिन इसके लिए पूरा मन चाहिए, संसार पर नहीं, परमेश्वर पर। हमने कभी मिक्सअप नहीं होना संसार में, हमने पूरा किसके साथ चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है। जब आप पूरा परमेश्वर के साथ चलोगे तो आप जीत के उत्सव में होंगे। कितने लोग आज शायद अपने रिश्तेदारों में गए होंगे कच्चे मसीह, कहां कच्चे अभी बेचारे विश्वास में, ये देने गए होंगे, वो देने गए होंगे। कारण ये कि उन्हें ये पता नहीं कि आज सबसे पहला दर्जा किसको देना है। बोलो, आपने किसी को मिलना है, कुछ देना है, कोई बहन है, भाई है, इधर उधर कोई काम है, रिश्तेदारी है, बाद में, पहले कौन? फिर देखो आप अपना सफल जीवन। अगर आप सफल जीवन जीना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आज जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है उसे पकड़ कर रखना, इसे छोड़ना नहीं। आप लोगों ने क्या, आप तैयार हो पहला दर्जा देने के लिए? तो सफलता आपकी होगी, ब्लेस्ड जिंदगी आपकी होगी, और यह कहानी नहीं है। आमीन।